ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने दलित भाई कई बार बिगर सोचे समझे दूसरे दो चार समाज को रात और दिन और सपने में भी गालियां देते हैं। ये चीजें सबके लिए लागू नहीं होती। मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, 68-69 में मैंने पांचवी पास करके हमारे यहां मेरे गांव से नजदीक समाज कल्याण की छात्रावास 250 किलोमीटर दूर थी। जैसलमेर शहरवाड़ी में जगह मिली नहीं तो नाचना मेरा एडमिशन हुआ। जिला वही था, मैं पटने नहीं गया, मैं कभी दूर चला जाऊंगा। उस वक्त जबरदस्त अकाल था, मैंने मजदूरी की फेमिंग में। मेरे गांव के ठाकुर थे जिसके हम मेघवाल थे, वो ठाकुर साहब रात को आए अपने सवाली बोलते वाले उनकी औरत की नीमोड़ी लेके, बड़ी नीमोड़ी सुहाने की, और मेरे पिताजी को दी कि भाई ये नीमोड़ी तू रख ले, मैं बनिए के पास जाऊंगा नीमोड़ी देने तो कहेंगे भाई ठाकर के पास पैसे नहीं है, तू तेरी औरत की नीमोड़ी बना और इसको बेच के जो लड़के को पटाए पटा होशियार है। तो आज भी ऐसे लोग हैं। मैंने 11वीं पास की, 11वीं पास उस वक्त 12वीं नहीं होती थी 75 में, तो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 83% थे पीसीएम में। उस वक्त परसेंटेज बहुत कम आती, मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में 13 देशों के एडमिशन हुए थे भारत के साथ साथ, मेरा मेरिट में 11वां नंबर था, मेरिट में, रिजर्वेशन से नहीं हुआ था। उस जगह मुझे एक जोधपुर के ब्राह्मण थे मैथमेटिक्स के टीचर, वो मेरे को उठा के ले गए पटाने के लिए कि तेरे नंबर अच्छे आए हैं तो इंजीनियरिंग में चल। मैंने कहा ये क्या होता है कि 5 साल, मैंने कहा 5 साल मेरे घर में गरीब है, मैं तो मेरे क्या पटवारी में नौकरी लग गई, मेरिट से लगती थी पटवारी। मैंने गांव में देखे जाते हैं खाट पे बैठते हैं, बाकी वाले नीचे बैठ सकते हैं, मेरे दिमाग में बैठ गई दुनिया में पटवारी से ऊपर कोई नौकरी है ही नहीं। मैंने मान साहब को मना किया, वो मैं पटवारी बुढ़वा रहे छोड़ पटवारी, वो मेरे को घर ले गए नौ चौकिया में, कोई जोधपुर के रहने वाले हो तो नौ चौकिया न था हुआ था कि बारी उन ब्राह्मण गुरु जी ने मुझे घर पे रखा, 1 वर्ष बाद हॉस्टल में भेजा। तो ये सबके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अपन किसी भी चीज में एक जाति को इकट्ठी करके अपन आगे नहीं बढ़ सकते। आज जैसलमेर में 2,60,000 वोट है, मेघवालों के 25,000 है, अब 2,60,000 में 25,000 और कुछ बड़ी जातियां धमका के 15-20% वोट तो वैसे ही तो टिका देते हैं, तो ऊंट के मुंह में 0 है। तो जितने मेघवाड़ों के वोट है उससे सवाए में वोटों से मैं जीता हूं, 30,000 से जीता हूं। तो मेरा इस मौके पे कहना है कि इस संघ के माध्यम से अपन पूरे देश में, आज अपन संगठित नहीं है, आज आप देखिए विश्नोई समाज सिर्फ 4 या 5 स्टेट में रहते हैं, भारत में कितने राज्य है, 4-5 स्टेट में रहते हुए पहले भजन लाल जी समाज के अध्यक्ष थे पूरे भारत के, राम सिंह जी विश्नोई रहे, उनसे सब पार्टियां प्रधानमंत्री तक पार्टियों के हेड पूरे देश के कांपते थे कि उनका संगठन है। और अपन इतने भरे पड़े हैं, किसी गांव की जो बसावट हुई है अपन को बोलते अलग अलग है, आपके एरिया में कहीं सालवी बोलते हैं, हमारे मेघवाड़ बोलते हैं, कहीं जाटव बोलते हैं, चमार बुनकर अलग अलग, कुछ अलग स्टेट में और नाम से बोलते हैं, किताब लिखी है जोधा साहब ने उसमें वर्णित है। अपने मेघवाल समाज के बराबर देश में कोई जात नहीं है, कोई जात नहीं है। राजस्थान में अपन 70 लाख है, शेड्यूल कास्ट की 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, 70 लाख अपन है, आधे से अधिक, अपनी संख्या की कोई कमी नहीं है, लेकिन संगठित नहीं होने से अपन से लोगों को डर नहीं है। हम लोगों ने 85 में एक मेघवाल को निर्दलीय जीता दिया तो लोगों में डर व्याप्त हुआ कि भी ये संगठित है,
तो अभी मैं सामान्य सीट पे, सामान्य सीट पे निंदनीय कोई लड़ो तो किसी को मना नहीं है, लेकिन एक नेशनल पार्टी टिकट तब देती है, मेरे को टिकट इसलिए दी गई कि इस रूपाराम को टिकट देने से पूरे राजस्थान के मेघवाल समाज पे असर पड़ेगा, एससी एसटी पे असर पड़ेगा, उन लोगों का पार्टी की तरफ झुकाव होगा। तो टिकट मैं चीफ मिनिस्टर था या मेरे में योग्यता ये नहीं है, मेरा समाज इतना बड़ा है और समाज मेरे को आशीर्वाद पिछले 40 वर्ष से दे रहा है, इसलिए मैं सामान्य सीट से इलेक्शन लड़ पाया और एमएलए बना हूं। राजस्थान के एक जिला 31 है, मेरा जैसलमेर है और 32 जिले हो रहे, एक भी जिला ऐसा नहीं था। मेरे और तो खिलाड़ी वगैरह इंजीनियर वगैरह तो आए, लेकिन एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां मेघवाल समाज के लोगों ने मेरे को इलेक्शन में मदद नहीं की, आके की जिस रूप में की है, किसी ने घर बैठे बैठे माला फेरी के हमारे समाज का खड़ा हुआ है, भगवान करे इसकी जीत हो। तो ये जीत का तोहफा आपके आशीर्वाद से है। एक जैसलमेर के छोटे से गांव में जन्म लेने के बाद मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे को राजस्थान के समाज के सब लोग जानेंगे और भारत देश के अपने समाज का अध्यक्ष बनाएंगे। ये मेरे इधर मुंगेरी लाल सपने देखता है ना, मेरे मुंगेरी लाल सपने भी दिमाग में नहीं थे, कल्पना नहीं की थी। योग्यताओं की अपने समाज में कमी नहीं है, कई मेघवाल गवर्नर रहे हुए जीवित बैठे हैं, सीएम रहे हुए जीवित बैठे हैं, कई राज्यों में आईएएस रिटायर अपने जोधाव साहब विराजे, कई स्टेट में कई आईएएस है, मेरे जैसे चीफ इंजीनियर तो हजारा हैं। लेकिन जो असेसमेंट हुआ मेरे नाम पे वो इसलिए हुआ कि राजस्थान का दलित वर्ग, मेघवाल ही नहीं दलित वर्ग सब मेरे प्रति भावना ठीक रखता है। मैं दो खेलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, हैंडबॉल और रिंग बॉल में, जहां पूरे देश में अलग अलग स्टेट के इक्का या दुक्का एससी एसटी का अध्यक्ष होता है, वहां मैं निर्विरोध रहा हूं, तो वो भी रिपोर्ट थी भी सामान्य वर्ग भी चाहता है। तो इस वजह से मैं इस मंजिल पे पहुंचा आप लोगों की दुआओं से और आज आपके बीच हूं। इस संघ को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे कभी भी फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग नहीं करूंगा, पैसे की मांग नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज है वो सिर्फ आप दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है। आज जैसे मैंने पहले कहा, राजस्थान में मेघवाल समाज की आबादी 70 लाख है, अब 70 लाख के मैं 5% भी